पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर है और ये वेटनरी कॉलेज है और वेटनरी कॉलेज की ये यूनिवर्सिटी है। दोस्तों यूनिवर्सिटी जो है अभी अभी यहाँ बन के तैयार हुई है, कुछ साल ही यहाँ पे हुए हैं और हम अधारताल क्षेत्र में हैं और अधारताल क्षेत्र में वेटनरी कॉलेज का यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों आज बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया गया है इस यूनिवर्सिटी को और आप ये देख सकते हैं बिल्कुल डेंटिंग पेंटिंग चकाचक नीट एंड क्लीन सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। नई बिल्डिंग जैसे अभी उभर के बन के तैयार हो गई हो। तो दोस्तों ये तैयारियाँ चल रही हैं और आगे हम दिखाते हैं कि क्या कैसे नज़ारे हैं और आगे देखिए क्या कैसा अद्भुत यहाँ पर नज़ारा आपको देखने को मिलता रहेगा। और दोस्तों आगे आप यहाँ पर देख रहे हैं और ये यहाँ ये जो टेंट के पास में जो मूर्ति है ये दोस्तों नाना जी देशमुख जी हैं, इन्हीं के नाम पर ये यूनिवर्सिटी का नाम कॉलेज का नाम रखा गया है। शैक्षणिक सत्र 2018-19 का यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल एवं लाइफस्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट विषय में सर्वाधिक अंक अर्जित करने के लिए स्वर्गीय एम आर लक्ष्मण राव गोल्ड मेडल तेजस्वरी सातपुते पशु चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर को प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 BFSC का यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल आयुषी पांडे मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर को प्रदान किया जा रहा है। PhD शैक्षणिक सत्र 2018-19 का सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट सर्वाधिक अंक अर्जित करने के लिए काजल कुमार जाधव एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जबलपुर को प्रदान किया जा रहा है। BBSC&AH शैक्षणिक सत्र 2019-20 का यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल एवं लाइफस्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट विषय में सर्वाधिक अंक अर्जित करने के लिए स्वर्गीय MR लक्ष्मण राव गोल्ड मेडल अपूर्वा वर्मा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर को प्रदान किया जा रहा है। BFSC शैक्षणिक सत्र 2019-20 का यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल आकांक्षा कुर्मी मत्स्य विज्ञान विद्यालय जबलपुर को प्रदान किया जा रहा है। MBSC शैक्षणिक सत्र 2019-20 का यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल कृष्णेंद्र कुमार पांडे पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय रीवा को प्रदान किया गया। BFSC&AH शैक्षणिक सत्र 2018-19 का यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल एवं लाइफस्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट विषय में सर्वाधिक अंक अर्जित करने के लिए स्वर्गीय MR लक्ष्मण राव गोल्ड मेडल तेजस्वरी सातपुते पशु चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर को प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 BFSC का यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल आयुषी पांडे मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर को प्रदान किया जा रहा है। PhD शैक्षणिक सत्र 2018-19 का सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट सर्वाधिक अंक अर्जित करने के लिए काजल कुमार जाधव एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जबलपुर को प्रदान किया जा रहा है। BBSC&AH शैक्षणिक सत्र 2019-20 का यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल एवं लाइफस्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट विषय में सर्वाधिक अंक अर्जित करने के लिए स्वर्गीय MR लक्ष्मण राव गोल्ड मेडल अपूर्वा वर्मा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर को प्रदान किया जा रहा है। BFSC शैक्षणिक सत्र 2019-20 का यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल आकांक्षा कुर्मी मत्स्य विज्ञान विद्यालय
जबलपुर को प्रदान किया जा रहा है। एमबीएससी शैक्षणिक क्षेत्र 2019-20 का यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल कृष्णेंद्र कुमार पांडे पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय रीवा को प्रदान किया जा रहा। मोना शर्मा भावना अहरवाल निधि राजपूत शिवांगी शर्मा सचिन कुमार जैन एनिमल हस्बेंड्री बैचलर ऑफ फिशरी साइंस मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस पशु शरीर संरचना पशु शरीर क्रिया विज्ञान पशु जैव रसायन पशु भेषज एवं विष विज्ञान पशु विकृति विज्ञान पशु परजीवी विज्ञान पशु सूक्ष्म जीवी विज्ञान पशु जन स्वास्थ्य पशु औषधि विज्ञान पशु मादा रोग एवं प्रसूति विज्ञान पशु शल्य क्रिया एवं विकिरण विज्ञान पशु अनुवांशिकी एवं अभिजनन पशु पोषण पशु उत्पादन एवं प्रबंधन पशु उत्पाद प्रौद्योगिकी पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विस्तार कुक्कुट विज्ञान पशु जैव प्रौद्योगिकी एवं वन्य जीव स्वास्थ्य प्रबंधन विषय में तथा डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि ग्रहण करने के योग्य है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इन्हें बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री बैचलर ऑफ फिशरी साइंस मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस तथा डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि से विभूषित किया जाए। अब मैं सभी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों को क्रमवार आमंत्रित करूंगा। उपाधि से विभूषित करता हूं श्री सुनील कुमार गोयल काजल कुमार जाधव राजय कुमार यादव ब्रिजेश सिंह अभिषेक सिंह बिसेन वंदना गुप्ता। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आप जीवन के मंगल में पथ पर सदैव अग्रसर होते रहें। सत्व औचित्य का कभी त्याग न करें तथा सरल मार्ग को चुनकर सन्मार्ग का अनुसरण करें। आप सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय के सिद्धांत पर निस्वार्थ भावना से प्रगति पथ पर बढ़ते हुए स्वर्णिम राष्ट्र निर्माण में सहभागी बने। राग द्वेष ईर्ष्या लालसा और भय क्रोध को त्याग कर अपने परिश्रम सत्कर्म सहिष्णुता धैर्य निष्पक्ष तथा निर्मल आचरण व व्यवहार से अर्जित ज्ञान भंडार को लोगों के कल्याण के लिए प्रभावित प्रसारित करते रहें। आप जाति धर्म रंग और भाषा की दीवारों को लांघकर मनुष्य एवं पशु कल्याण में अपने विश्वविद्यालय का नाम गौरवान्वित करते हुए अपने सच्चरित्र तथा सद्बुद्धि से भारत माता को समृद्ध सुखी विकसित व गौरवशाली बनाए। इस विश्वविद्यालय में अपने प्रवास के दौरान आप समस्त स्टूडेंट्स को वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री एवं फिशरी साइंस की चुनौतियां सिखाने एवं राज्य के किसानों के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। प्लीज आपको पशुधन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने हेतु प्रेरित करता हूँ। अब आपका ये नैतिक कर्तव्य है कि आप
अपने प्रयासों के द्वारा पशु चिकित्सा विज्ञान एवं मत्स्य विज्ञान को ऊंचाइयों पर ले जाएं, जिससे देश के विकास में आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। मैं आप सभी को ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट एवं डॉक्टरेट पद से अलंकृत किए जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं परम श्रद्धेय कुलाधिपति एवं माननीय राज्यपाल महोदय जी का हृदय से आभारी हूँ तथा उपस्थित विद्युत जनों एवं विशेष अतिथियों को हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दीक्षांत समारोह की स्मारिका का विमोचन करने की कृपा करेंगे।